नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कच्चे केले की क्रिस्पी वेफर्स बनाएंगे। वेफर्स बनाने के लिए 2 कच्चे केले चाहिए और आधा कप पानी में 1 चम्मच नमक को डालकर अच्छे से हिलाकर नमक वाला पानी तैयार करना है। अब हम केले के छिलके को छुरी से अच्छी तरह से निकाल देंगे ताकि उसकी नसें ना रह जाए और ये अच्छी तरह छिल जाए। जब हमें बनानी हो वेफर तभी हम इसके छिलके को निकालेंगे, वरना ये काले पड़ जाते हैं। 2 पीस में हम काट लेंगे इसको। फिर तेल में सीधा ही इसको मशीन से बनाएंगे। फ्लेम मध्यम रखेंगे। तेल एकदम गर्म होना चाहिए और इसमें हम 1 चम्मच नमक वाला पानी डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे। आपको ये ख्याल रखना है कि हम सीधा तेल में तल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है ताकि तेल हमारे ऊपर ना गिरे। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। दूसरे केले से लंबी लंबी वेफर बनाएंगे। इससे भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसे हम सीधा ही तेल में डाल रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा ताकि तेल के छींटे अपने आप पर ना उड़े। अगर ऐसा हो तो आप अलग डिश में भी इसे रख कर फिर उसे तेल में तल सकते हैं। इसको हमें अच्छे से घुमाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहे तो इस पे लाल मिर्च, संचर पाउडर, जलजीरा या तो काले मरी का पाउडर भी स्प्रिंकल करके उपयोग में ले सकते हैं। आप ये सारे मसाले तभी ऐड करें जब वो एकदम गर्म हो, ताकि वो अच्छे से उसमें लग जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।